टीआरएस वाले करे परमिशन मिल जाता। तो हम स्टेट पूछ रहे, नरेंद्र मोदी केसीआर कब तक चूतिया बनाते रहे तुम लगा लोगों को पे, ये गरीब फार्मर परेशान है। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, आज केसीआर साहब धरना चौक पे, जो धरना चौक को आप उठा देना बोले, धरना चौक बेकार है। मैं जब से आ गया हर मसले में मैं काम कर दे रहा हूँ, और आज मुख्यमंत्री 7 साल के बाद धरना चौक में जाके बैठे। अरे मेरे भाई मुख्यमंत्री, तू कहीं कुने खरीद रहा, और अगर से तू जो है 7 साल से, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन आओ, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आओ, 370 आर्टिकल आओ, डिमोनेटाइजेशन आओ, GST आओ, ट्रिपल तलाक आओ, हर एक बिल को तू खामोश बैठ के, एक भजन टीम तेरे यहाँ पे 15 MP है, कब तभी तू पार्लियामेंट में बात करा। आज कांग्रेस पार्टी की सदारत में रेवंत रेड्डी और पूरे सीनियर लीडर्स कमिश्नर फॉर एग्रीकल्चर से मिलने जा रहे। मसला ये है जो आप लोग रोज प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे हैं, फार्मर्स का इशू। इसके अंदर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं तो फार्मर्स का इशू मालूम रहता हूँ, मगर जो सिटी वाले हैं उनको इसका अंदाज़ा नहीं रहता। तो मैं आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ आपको, एक रबी सीज़न रहता, एक खरीफ रहता, एक पैडी रहता, एक चावल रहता, चावल के अंदर बॉइल्ड राइस रहता, रॉ राइस रहता। तो ये तमाम चीज़ें जो फार्मर्स जब पैदा करते हैं, इनको खरीदने की जिम्मेदारी सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेती। आज क्या चल रहा मामला, ना तो स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले रही, ना तो सेंटर गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले रही। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसको खरीदना होता, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो BJP के तहत है, नरेंद्र मोदी के पास है, और उसका जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल, ये बात बोल रहा कि 40 लाख टन हम खरीद रहे, और TRS पार्टी ये बता रही साहब 60 लाख एकड़ पहले खेत उगते थे, अब 80 लाख एकड़ खेत है। तो आप जो 40 लाख टन खरीद रहे हैं वो अभी कम है, और आप ज्यादा खरीदिए। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही, सेंटर गवर्नमेंट पे डाल रही, सेंटर गवर्नमेंट क्या कर रही, स्टेट गवर्नमेंट पे डाल रही। KCR साहब क्या कर रहे, नरेंद्र मोदी तू चोर है बोल रहे, वहां से नरेंद्र मोदी के लोग बोल रहे हैं KCR तू बड़ा चोर है। तो अब ये दोनों बट्टेबाजों के बीच में ये गरीब फार्मर परेशान है। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, आज KCR साहब धरना चौक पे, जो धरना चौक को आप उठा देना बोले, धरना चौक बेकार है। मैं जब से आ गया हर मसले में मैं काम कर दे रहा हूँ, और आज मुख्यमंत्री 7 साल के बाद धरना चौक में जाके बैठे। अरे मेरे भाई मुख्यमंत्री, तुम्हारे को दम है तो नरेंद्र मोदी के सामने जाके बैठो, जंतर मंतर पे जाके बैठो। अब यहाँ के ऊपर तुम स्टेज इसलिए डाले क्योंकि वहां पे BJP वाले हंगामा कर रहे हैं। अब तुम पूरा प्लानिंग फार्मर्स को मदद करने नहीं बैठे, तुम आज धरना चौक BJP को गालियां दे रहे बैठे, BJP को गालियां देते तुम, कांग्रेस को गालियां देते, उसके लिए तुम्हारा अड्डा है, तुम मुख्यमंत्री है, बाप की जागीर। कांग्रेस को आज परमिशन रिजेक्ट कर दिए, मगर BJP वाले वहां करे परमिशन मिल जाता, TRS वाले करे परमिशन मिल जाता। तो हम स्टेट पूछ रहे, नरेंद्र मोदी KCR कब तक चूतिया बनाते रहे तुम लगा लोगों को। मेहरबानी करके कांग्रेस का नारा पहले दिन से जय जवान जय किसान, पार्लियामेंट में जब फार्मर्स का बिल आया तो कांग्रेस पहली पार्टी थी जो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में, प्रेस के सामने, हर पब्लिक मीटिंग में बोली कि ये ब्लैक लॉ है, जब तक आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं फिक्स करेंगे ये कानून आगे नहीं बढ़ाना। तुम खाली अदानी को, अंबानी को मदद करने के लिए कर रहे, गरीब को नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी तुम। और यहाँ पे KCR बोलता कि तेलंगाना में सरप्लस है, मेरे पास खुद पैसे है। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ हमारे मुख्यमंत्री को, अरे फार्मर्स का तू खरीद सकता ना,
एक इरिगेशन प्रोजेक्ट पे 1,00,000 करोड़ तू लगा सकता, इलेक्शन पे 3,000 करोड़ लगा सकता। तो गरीब फार्मर्स जब उनके पास राइस है, पैडी है, तू कहीं कुने खरीद रहा। और अगर से तू जो है 7 साल से, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन आओ, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आओ, 370 आर्टिकल आओ, डिमोनेटाइजेशन आओ, GST आओ, ट्रिपल तलाक आओ, हर एक बिल को तू खामोश बैठ के, एक भजन टीम तेरे यहाँ पे 15 MP आए, कब तभी तू पार्लियामेंट में बात करा, कब तभी तेरी बेटी थी जब बात करी, राज्यसभा में बात करे, खामोश बैठे ना, और आज यहाँ पे तुम्हारा ड्रामा कर रहे। मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर से वाकई में तुम फार्मर्स को मदद करना है, BJP और TRS कहीं कुने बैठ रही, दोनों मिलकर बैठ गए तो हो गया ना मामला, फार्मर्स का मसला हो जाता ना। मगर यहाँ BJP गलियों में, नलगुंडा में, इन्हें जाके वहां पे इंदिरा बाग के ऊपर, ये बट्टेबाजा वहां पे ड्रामा, ये बट्टेबाजा वहां पे ड्रामा, मगर गरीब फार्मर परेशान। तो कांग्रेस पार्टी ये बात बोल रही, आजाद हुए जब से, अगर से हिंदुस्तान को कोई डेवलप करा, फार्मर्स के पीछे जो अपनी जान लगा दिया, वो कांग्रेस पार्टी है। और जब तक ये फार्मर्स को उनका हक नहीं मिलता, रात और दिन हम काम करेंगे, चाहे वो KCR हो या नरेंद्र मोदी हो, बराबर उनको झुका देंगे और फार्मर्स के मसले को सॉल्व करा देंगे। और जब तक ये नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी सोएंगी नहीं और आपको सोने नहीं देंगी। जय हिंद, जय कांग्रेस।